Hi, this is Melissa Raju Thomas and you're watching me on Bollywood Spy. Okay, Melissa, आपने जो डेब्यू फिल्म की है उसके बारे में क्या बताना चाहोगे मुथुन के बारे में? मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील करती हूँ कि मुझे इतने ही अच्छे फिल्म में डेब्यू करने का मौका मिला विद सच अमेजिंगली टैलेंटेड आर्टिस्ट जैसे गीतू मोहनदास मैम, राजीव रवि सर, अनुराग कश्यप सर, बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर्स शोभिता, शशांक, निविन पॉली. तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील करती हूँ कि ऐसे एक फिल्म में मेरा पहला फिल्म ऐसा फिल्म है. ओके, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मेरी जो कैरेक्टर है वो बहुत सारे उसमें ट्रांजिशंस होते हैं. जो इनिशियली वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है वो एक मरमेड के रूप में इंट्रोड्यूस होती है और फिर वो बेसिकली एक विलेज गर्ल है फ्रॉम लक्षद्वीप और उसको ट्रांजिशन होना पड़ता है इनटू अ बार डांसर इन बॉम्बे. तो मतलब इतने सारे ट्रांजिशंस है जो एज एन एक्टर इट वॉज चैलेंजिंग. लक्षद्वीप जो जगह भी है वो बहुत ही डिफरेंट स्पेस है, हमारे बॉम्बे जैसे नहीं है. तो उनकी भाषा भी बहुत अलग है. तो वो सब सीखना, अपने आप को एक्चुअली बस लेट गो करना इनटू द कैरेक्टर, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. या ओके, अमीना का कैरेक्टर प्ले करना, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? तो लाइक आई सेड, अमीना का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था बिकॉज उसके इतने सारे ट्रांजिशंस होते हैं. बेसिकली वो एक विलेज गर्ल है, लक्षद्वीप से है. और मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग था इसकी मैंने कम्प्लीटली लेट गो कर दिया था. मतलब आई डिडंट वेयर एनी मेकअप, पूरा दिन मैं बस सन में ऐसे घूम रही थी विद द जहाँ के वहाँ के विलेजर्स जो हैं ताकि मैं भाषा के साथ कंफर्टेबल हो जाऊँ. एंड हाँ, द व्हेन इट केम टाइम टू परफॉर्म ऑल्सो, गीतू मैम इज शी इज़ वेरी रियलिस्टिक एंड शी इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस. तो वो एज एन एक्टर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस देती हैं कि आपको जो मतलब इन दैट मोमेंट फील हो रहा है या इन दैट मोमेंट व्हाट यू फील योर कैरेक्टर शुड डू उसको एक्सप्लोर करने का मौका देती हैं. तो मेरे लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था टू वर्क विद सच अ डायरेक्टर हु गिव्स यू सो मच स्पेस. या ओके, गांव की लड़की का कैरेक्टर प्ले किया आपने, तो ये कितना चैलेंजिंग रहा? लाइक आई सेड, चैलेंजिंग था, पर जैसे ही मैंने लेट गो किया ना कि मतलब अच्छा मुझे ऐसे दिखना है वैसे दिखना है ये सब छोड़ दिया जैसे ही, तो इट वाज वेरी इजी, इट वाज वेरी स्मूथ. ओके, अपने को प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ इंटरेक्शन वगैरह? अनुराग सर इज अमेजिंग. वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है एंड बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही क्रिएटिवली इंकरेजिंग पर्सन है. तो जब मैं मुथुन पे वर्क कर रही थी तो मुझे ऐसे आइडियाज़ आए कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट राइटिंग. तो मैंने अनुराग सर से बोला था, तो ही वॉज़ वेरी इंकरेजिंग. ही वॉज़ लाइक गो फॉर इट, राइट व्हाट यू फील लाइक, शो मी योर फर्स्ट ड्राफ्ट एंड एवरीथिंग. तो जब मैंने अपना पहला शॉर्ट फिल्म लिखा था तो मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट उनको दिखाया एंड देन ही वॉज़ लाइक, ये क्या है, तुमने तो पूरी इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखी है, उसको स्क्रिप्ट बनाओ, स्क्रीन प्ले बनाओ. तो दैट वॉज प्रॉब्ली द बेस्ट फीडबैक आई गॉट, क्योंकि एंड उस पे देन आई वर्क एंड देन इट गॉट प्रोड्यूस्ड एंड इट्स आउट नाउ. ओके, आपकी फिल्म जो है वो मामी में भी सेलेक्ट हुई है, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? मामी में सिलेक्ट हुई है एंड इट वॉज़ दी ओपनिंग फिल्म ऑफ मामी. मतलब मेरे लिए तो ये पूरा एक्सपीरियंस ही एक ऐसे ड्रीम जैसे रहा है, क्योंकि पहली फिल्म में मुझे इतने ब्रिलियंट लोगों के साथ वर्क करने को मिल रहा है और हमारी फिल्म इतनी अच्छे लेवल पे रिकग्नाइज हो रही है. जैसे कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे उसका प्रीमियर हुआ और इंडिया में जो प्रीमियर हुआ एज मामीज़ ओपनिंग फिल्म, तो बहुत ही स्पेशल फीलिंग है. मैं बहुत ही हम्बल फील करती हूँ कि मुझे इसमें एक पार्ट मिला. या ओके, आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक अपने फादर के लिए एक वीडियो शेयर की है, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? आई थिंक रिसेंटली क्या हो रहा है, मेरे सारे क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स पता नहीं शायद जग उठ रहे हैं. तो मैं हमेशा पोएट्री में मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है एंड मैं कभी कभी ऐसे खुद से भी पोएम्स लिखती हूँ. तो अभी एक दो महीने पहले मुझे ऐसे ही एक इंस्पिरेशन आया एंड इट्स बेस्ड ऑन माय चाइल्डहुड बेसिकली. क्योंकि एज अ चाइल्ड मैं बहुत ज़्यादा बुली होती थी स्कूल में भी एंड आउटसाइड ऑल्सो. तो मेरा एक्सपीरियंस स्पेशली ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मेरी मेमोरीज वर नॉट सो ग्रेट. बट द पर्सन हु काइंड ऑफ लाइक हेल्ड मी अप, जिन्होंने बोला कि तुम डरो मत, तुम खड़ी हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, दैट वॉज माई डैड. तो आई थिंक दैट वॉज माई इंस्पिरेशन एंड आई रोट दिस सॉन्ग.
somehow मैंने उसके लिए एक मेलेडी भी बना ली एंड बस ऐसे ही दोस्तों के साथ रिकॉर्ड किया और उसको डाल दिया यूट्यूब पे. आई थिंक अभी जो अभी का जनरेशन है, इट इज़ अबाउट लाइक जस्ट फॉलोइंग योर इंस्टिंक्ट्स एंड डूइंग वट एवर एंड एक्सप्रेसिंग योर क्रिएटिविटी. तो आई थिंक दैट वॉज जस्ट लाइक समथिंग दैट आई डिड इज अ हॉबी एंड लॉट ऑफ पीपल हैव रियली लाइक्ड इट. सो या ओके. एक्टिंग के अलावा और किस किस में आपको इंटरेस्ट है, उसके बारे में क्या बोलूँ? तो अभी लाइक आई सेड मैंने राइटिंग शुरू किया है. हाँ, तो दैट हैज़ बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज मैंने रियलाइज किया है कि मेरे अंदर कितनी आई डोंट नो स्टोरी टेलिंग का एक 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 फायर है शायद, मे बी दैट्स द राइट वर्ड. एंड एज एन एक्टर ऑल्सो, जैसे मैंने अभी स्क्रिप्ट राइटिंग एंड ऑल स्टार्ट किया है, तो एज एन एक्टर ऑल्सो इट्स मेड मी अ लॉट बेटर. इट्स मेड मी हैव अ मच बेटर परस्पेक्टिव कि अब जब मुझे एक स्क्रिप्ट भी मिलता है, सो आई थिंक आई हैव अ बेटर परस्पेक्टिव कि ओके वाई इज़ द राइटर मेड दिस सीन और फॉर वॉट पर्पज इज़ दिस कैरेक्टर सेइंग दिस. तो हाँ, वैसे मेरा पर्स्पेक्टिव बहुत वाइडन हुआ है. ओके, आपका ड्रीम रोल क्या है, मतलब कौन से ऐसा रोल है जो आपको दिल से करने की? मुझे बहुत सारे डिफरेंट रोल्स करने हैं, मुझे हर बार चैलेंज होना है और मुझे वो चैलेंज को ओवरकम करना है एंड आई वांट टू फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ. तो मुझे बहुत सारे डिफरेंट रोल्स करने हैं डेफिनेटली. ओके, बॉलीवुड में बात करें तो कौन से स्टार के साथ आपका मतलब ड्रीम है कि काम करें आप? एक्चुअली बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं बॉलीवुड में आजकल, तो मुझे सभी के साथ वर्क करना है क्योंकि हर किसी से कुछ ना कुछ तो हमें सीखने को मिलता है. बट अभी रिसेंटली आई रियली वांट टू वर्क विद आयुष्मान खुराना, आई वांट टू वर्क विद विकी कौशल, आई वांट टू वर्क विद रणबीर कपूर ऑफ कोर्स, आई वांट टू वर्क विद ऑल द थ्री ग्रेट खान्स. तो या एवरीवन. ओके, अपना आइडल किसको मानते हो? आइडल आई थिंक मैं ऐसे आइडलाइज करने, दैट्स नॉट माई नेचर. आई फील लाइक मोर देन आइडलाइज, मैं एक एक एक्टर या परफॉर्मर के परफॉर्मेंस को आइडलाइज करती हूँ कि अच्छा इस मूवी में लाइक विकी कौशल इन मसान, माइंड ब्लोइंग, आई मीन दैट्स ब्यूटिफुल. सो आई मीन फॉर मी दैट इज़ अ परफॉर्मेंस विच आई लुक अप टू एंड आई वॉन्ट टू सॉर्ट ऑफ एम्यूलेट. सो या ओके, अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में क्या बोलोगे? तो अभी आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन अ स्क्रिप्ट विच आई हैव बीन राइटिंग फॉर अ वाइल एंड आई एम डूइंग बिजॉय नंबियार्स ताइश. आई एम डूइंग अ लिटिल स्पेशल अपीयरेंस रोल इन इट, अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. तो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू वर्क विद सच अ टैलेंटेड डायरेक्टर, बहुत ही क्रिएटिव जीनियस है वो और बहुत ही परफेक्शनिस्टिक डायरेक्टर है. तो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. ओके, लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? I just want to say thank you for supporting me and I love you guys.